स्कूल में पढ़ाई के दौरान हमें बाकी चीजों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सिखाई जाती है, वो है ऐसे राइटिंग। और उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे लिखवाया जाता है, एम ऑफ माय लाइफ। हमें से ज्यादातर लोग इस ऐसे राइटिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं और एम ऑफ लाइफ को तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। बचपन में ऐसे लिखते टाइम अक्सर हम एक दूसरे को देखकर या किसी से सुनकर अपना एम ऑफ लाइफ का ऐसे लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जिंदगी में काफी ज्यादा आगे आ जाने के बाद, दूसरों के बताए हुए एम ऑफ लाइफ कहने के बाद, जब हम एम ऑफ माई लाइफ वाले टॉपिक पर सीरियसली कुछ सोचते हैं तो कौन कौन से थॉट दिमाग में आते हैं और हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, इस बात पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। किसी भी इंसान से ये पूछना कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है बहुत ही मुश्किल सा है और ऐसे राइटिंग जैसा बोरिंग टाइप का लगता है। ऐसे डायरेक्टली एम ऑफ योर लाइफ पूछने से शायद हमें किसी से भी या फिर खुद से सही सही जवाब नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछे, जैसे हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दे तो आंसर मिलेगा पैसा या वेल्थ। हालांकि वेल्थ या फिर धन अपने आप में हमारे किसी काम का नहीं होता, पर पैसे से हम अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अगर केवल जीवित रहने भर की बात हो तो पैसा हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना हम सवाल का जवाब देते टाइम फील कर रहे थे। मतलब पैसा हमें रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा कुछ और चीजों के लिए भी चाहिए, जैसे महंगा वाला खाना, बड़ा मकान, लाइफ को लग्जरी बनाने वाले आइटम्स, टूर्स, ट्रिप्स, दूसरों से ज्यादा अमीर होने की फीलिंग, और इनके अलावा बहुत सारी चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। मतलब थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा हमें डायरेक्टली पैसा नहीं चाहिए, पर वो सारी चीजें चाहिए जो पैसा खरीद सकता है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमें वो सारी चीजें क्यों चाहिए, तो जवाब आता है खुशी या हैप्पीनेस। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए क्योंकि उनको पाने से हमें खुशी मिलती है। हालांकि खुशी को प्राप्त करने के और भी तरीके हैं, परंतु ज्यादातर टाइम हम पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि हम खुद को खुश करने वाली चीजें खरीद सकें। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में हमें पैसा नहीं, खुशी चाहिए। तो विचार करने वाली बात ये है कि खुशी या फिर हैप्पीनेस है क्या। वैसे देखा जाए तो पैसा या पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें बाहरी दुनिया के होते हैं और खुशी हमारे दिमाग की कंडीशन होती है या फिर मन में उठने वाला एक तरह का भाव होता है। बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं की वजह से हमारा मन या दिमाग के अंदर फीलिंग्स आती हैं। खुश होना भी एक तरह का भाव है जिसे हम बार बार जीना चाहते हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहे, जब भी हमारा दिमाग में डोपामाइन या हैप्पीनेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है ना, तो हमें खुशी का अनुभव होता है। हमारी जिंदगी में होने वाली घटनाएं हमें ब्रेन के डोपामाइन या हैप्पीनेस हार्मोन को ट्रिगर करती हैं और हमें हैप्पीनेस या सैडनेस की फीलिंग आती है। तो फाइनली हमें जो चाहिए होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन या फिर हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बाहरी दुनिया में हम कितना पैसा कमा लें या कितनी भी चीजें खरीद लें, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर फ्लो होने वाली हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस हार्मोन्स की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। हमारा ब्रेन या बॉडी एक टाइम पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब हमें जिंदगी में चाहे कुछ भी मिल जाए भाई, हम एक लिमिट से ज्यादा खुश नहीं हो सकते। शायद यही कारण है दुनिया में सबसे ज्यादा अमीरी में रहने वाले लोग और दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला आदमी सेम नहीं है। खुश होना और अमीर होना दो अलग अलग चीजें हैं। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग इन दोनों को एक समान समझने लगते हैं और जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा इसीलिए कमा लेना चाहते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा खुश रह सके। इतना सोचने पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पैसे से हम खुशी खरीद तो सकते हैं, परंतु उसकी एक लिमिट है। अगर हमें जिंदगी में खुशी चाहिए तो पैसे के अलावा एक अच्छा सोशल सर्कल, फैमिली या फ्रेंड्स, एक अच्छी हेल्दी बॉडी जैसी और भी बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है।
वैसे ब्रेन के डोपामाइन की बात करें तो बहुत सारी चीजों से ट्रिगर किया जा सकता है, जैसे फिजिकल वर्कआउट करना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठंडे पानी से नहाना, ड्रग्स, अल्कोहल लेना और बहुत सारी सही और गलत चीजें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, एक अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है और वो सभी चीजें हैं जो एक इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदगी में कई बार दुखी और परेशान होते हुए दिखाई दे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामाइन लेवल को बढ़ाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ेगा, मतलब ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, फिर घटता है और फिर वापस बढ़ता है और साइकिल चलता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में खुशी के पल और दुख का टाइम आता और जाता रहता है। कुछ टाइम तक खुश रहने के बाद सब कुछ होते हुए हमारा दिमाग दुखी होने के बहाने और कमियां ढूंढने लगता है और थोड़े टाइम तक दुखी रहने के बाद दिमाग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगता है। तो कहने का मतलब ये है, हम जिंदगी में कुछ भी कर ले कंटिन्यूस हमेशा खुश नहीं रह सकते और हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए हम कंटिन्यूसली दुखी भी नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात तो ये है कि अगर आप जिंदगी में किसी वजह से दुखी हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही आपको जो कुछ भी आपके पास है और छोटी छोटी चीजों से भी खुशियों का एहसास होने लगेगा। और अगर आपका एम ऑफ लाइफ खुश रहना है तो वो सारी चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। खुशी मिलती है ना कि वो जिनसे आपको पैसा मिलता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमारे ब्रेन के डोपामाइन को बढ़ाने के लिए केमिकल मेथड्स जैसे ड्रग्स, अल्कोहल लेने के बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, तो उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा मेरे कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि हमें जिंदगी में पैसा नहीं कमाना चाहिए या पैसा बुरी चीज है। वीडियो देखकर आपको क्या समझ आया, क्या अच्छा या बुरा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना डोपामाइन और अपनी खुशी को बढ़ाते रहिए।